इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने बेल्जियम बॉयफ्रेंड से की शादी। लॉकडाउन में हुआ प्यार और इकरार। 6 महीने में टूटी थी एक्ट्रेस की पहली शादी। एमटीवी के पॉपुलर रियलिटी शो स्प्लिट्सविला के सीजन 1 की पूर्व कंटेस्टेंट प्रियंका शर्मा इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लॉकडाउन के समय ही अपने बेल्जियम बॉयफ्रेंड एड्रायन वेंकर्स ब्लिक से शादी रचाई, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस ने 25 मार्च 2021 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस को दी। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बातचीत की है। ई टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में प्रियंका शर्मा ने अपनी लव लाइफ को लेकर कई सारी बातें की। प्रियंका ने कहा, बेल्जियम में एक आर्किटेक्ट के रूप में एड्रियन ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और साइकिल पर भारत को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। वो एक नॉर्मल जीवन जीने में विश्वास करते हैं। जब मैं उनसे मिली तो मैं इस फैक्ट पर भरोसा नहीं कर सकी कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास आई जो मुझसे भी ज्यादा पागल था। हमने महामारी से पहले ही एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। आगे एक्ट्रेस ने कहा, एक बार जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो मुझे लगा कि वो वापस बेल्जियम चले जाएंगे, लेकिन वो रुके और हमारे रिश्ते को एक कोशिश देना जरूरी समझा। जब हम एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं तो साथ में एक छोटे से घर में रहना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन लॉकडाउन ने हमें एक साथ बहुत समय बिताने का मौका दिया। हम लड़े, हमने बहस की, खाना बनाया, बात की और बहुत अच्छा समय बिताया। इस तरह हम प्यार में पड़ गए और शादी करने का फैसला किया। आपको बता दें, प्रियंका की पहली शादी टूट गई थी और दोबारा शादी करने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन एड्रियन के आने से उनकी लाइफ एक बार फिर पटरी पर आ गई। इसके बारे में बात करते हुए प्रियंका ने कहा, मैं शादीशुदा थी और महज 6 महीने के अंदर मैंने तलाक ले लिया और वो मेरे लिए बहुत कठिन समय था। मैं बहुत डर से गुजरी और मुझे लगा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी या फिर प्यार में नहीं पड़ूंगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 4 साल के बाद मैं किसी से मिलूंगी जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहूंगी। वेल, हम प्रियंका और एड्रियन को इस न्यू बिगनिंग के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू डेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।